प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट बाहर निकल के आ रही है। आपके इंग्लिश के परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। आइए जानते हैं सही जानकारी क्या है। दूध का दूध और पानी का पानी मैं करता हूँ। और जो लोग भी इस चैनल पे नहीं होंगे कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सबसे पहले आपको न्यूज देता हूँ और बिल्कुल 100% सही सही न्यूज देता हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए जानते हैं दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर मासूम। देखिए बच्चों, मैंने आपसे क्या वादा किया था कि बिहार बोर्ड से रिलेटेड कोई भी जानकारी होगा तो सबसे पहले मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। तो मैं आप लोगों के लिए एक जानकारी लेकर आ चुका हूं, अपडेट लेकर आ चुका हूं। इसलिए बोला था कि जो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले और एकदम 100% सही न्यूज आपको दिखाया जाता है। तो देखिए बच्चों, बहुत ही हंगामा चल रहा है कि आपका बिहार बोर्ड का जो इंग्लिश का परीक्षा है उसको रद्द कर दिया गया है। बिहार बोर्ड के इंग्लिश के परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया है। तो देखिए मामला क्या है, मैं दूध का दूध और पानी का पानी करने जा रहा हूँ। तो आप लोग ऊपर में देख रहे होंगे लिखा होगा बिहार बोर्ड 10th। बिहार बोर्ड ने रद्द की 3 केंद्रों की अंग्रेजी परीक्षा, लॉकर न खुलने से छात्र मायूस। देखिए हाँ, तो ये बात सच है कि बिहार बोर्ड ने इंग्लिश की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, लेकिन पूरे बिहार में नहीं किया है। कहाँ पे किया है आइए मैं इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिवान के 3 परीक्षा केंद्र पर शनिवार को अंग्रेजी की परीक्षा रद्द कर दी गई। बैंक का लॉकर नहीं खुलने से सिहौता बांगरा उच्च विद्यालय, उमा शंकर उच्च विद्यालय व अनुग्रह नारायण उमा शंकर सिंह महाविद्यालय में मैट्रिक परीक्षा केंद्र पर एग्जाम नहीं हुए। देखिए बच्चों, मैं बताना क्या चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। जो इंग्लिश का आपका एग्ज़ाम हुआ था 20 तारीख के डेट में, प्रथम पाली का मैं बात कर रहा हूँ, तो बिहार में हर जगह इसको रद्द नहीं किया गया है। बिहार में हर जगह रद्द नहीं किया गया है, केवल सिवान के महाराजगंज के 3 कॉलेज हैं जिनका नाम है सिहौता बांगरा उच्च विद्यालय, उमा शंकर सिंह उच्च विद्यालय व अनुग्रह नारायण उमा शंकर सिंह महाविद्यालय में सिर्फ रद्द किया गया है। क्यों किया गया है, तो बैंक का लॉकर नहीं खुलने के कारण। देखिए भाई, ये जो बिहार बोर्ड है ना, इसका देखिए सिस्टम कितना ढीला है, इसका बिहार बोर्ड का सिस्टम कितना ढीला है। एक जगह तो जमुई में पेपर लीक हो जाता है, मैंने उसके ऊपर वीडियो बना के अपलोड भी कर दिया, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए बिहार बोर्ड के शिक्षा का स्तर इतना नीचे गिरते जा रहा है, इसका विधि व्यवस्था इतना ख़राब हो गया है कि मतलब कोई कुछ मायने ही नहीं है, मतलब एकदम तमाशा बना दिया यार। कैसा बैंक है कि लॉकर नहीं खुलता है यार उसका। चलो आगे दिखाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिवान में शनिवार की सुबह उस समय अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया जब सिहौता बांगरा उच्च विद्यालय, उमा शंकर सिंह विद्यालय व अनुग्रह नारायण सिंह महिला महाविद्यालय मैट्रिक परीक्षा केंद्र के 3 प्रतिनियुक्त पदाधिकारी अंग्रेजी का प्रश्न पत्र लेने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में पहुंचे। बैंक के कर्मचारी द्वारा बैंक के लॉकर खोलने का प्रयास किया गया तो बैंक का लॉकर नहीं खुला। एसडीओ ने तुरंत इसकी सूचना जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे व विद्यालय परीक्षा समिति को दी। अंत में लॉक नहीं खुलने पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लेते हुए 3 केंद्रों पर आयोजित होने वाले प्रथम पाली की परीक्षा को रद्द करते हुए 9 मार्च को पुनः परीक्षा को कराने की घोषणा की गई है। देखिए जो आपका परीक्षा रद्द हुआ है, क्यों हुआ है, तो बैंक का लॉकर नहीं खुलने की वजह से आपका परीक्षा रद्द हो गया है। तो जो छात्रों में बहुत आक्रोश देखने को मिला, महाराजगंज सिवान की बात कर रहा हूँ, सिवान डिस्ट्रिक्ट है, महाराजगंज प्रखंड है, वहाँ पर बहुत ही अफरा तफरी वाला माहौल देखने को मिला। लोग गुस्सा हो गए थे कि क्यों ऐसा हुआ भाई, क्यों ऐसा हुआ। लोग गुस्सा हो ही जाएंगे, बहुत सारे बच्चे दूर दूर से परीक्षा देने के लिए आते हैं, उन लोगों को कितनी परेशानी हुई, बहुत सारी बच्चियाँ भी आती है, कितनी परेशानी उनको होनी पड़ी और एक टेंशन बढ़ जाता है ना। 9 मार्च को कर दिया है, देखिए 9 मार्च का इसका परीक्षा होगा, 9 मार्च को कर दिया है, कौन इतना दिन इंतजार करेगा अब। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, 180 परीक्षार्थियों को देनी थी परीक्षा। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रथम पाली की परीक्षा में 3 केंद्रों पर 2380 परीक्षार्थियों को परीक्षा में शामिल होना था। इनमें सिहौता बांगरा उच्च विद्यालय केंद्र में 1143, उमा शंकर उच्च विद्यालय केंद्र पर 596 और अनुग्रह नारायण उमा शंकर सिंह महाविद्यालय परीक्षा केंद्र पर 641 परीक्षार्थी शामिल थे। टोटल मिला के 2380 थे। तो इन लोगों की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है और इनका परीक्षा होगा आगामी आने वाले 9 मार्च के। तो बिल्कुल आप लोग अपडेट रहिएगा और चैनल से जुड़े हुए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे 100% सही न्यूज़ बताता हूँ और सबसे पहले।
तो कोई भी अपडेट आएगा, तो मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग निगरानी में रहिएगा। जैसे ही वीडियो समाप्त होता है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी ऐसी जानकारी होगा तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आपके साथ साझा करूंगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी।